This video is sponsored by KW Delhi 6. ऑफिस का भी काम और घर का भी काम, ऊपर से ये पैंडेमिक पूरी कसर निकाल दी। ऑफिस का प्रेशर अलग झेलना पड़ रहा है और घर का अलग। आप कुछ अच्छा नहीं बनाओगे तो फैमिली आपसे, आप मेल टाइम पर नहीं करोगे तो बॉस आपसे, क्या करें? सब स्ट्रेस में है, इजंट इट? कैसे मैनेज करें इसे? हर टाइम एक काम के बाद दूसरा पेंडिंग, दूसरे के बाद तीसरा पेंडिंग, लाइफ स्टाइल ही ये बन गया है। घर से काम सोचती थी इजी रहेगा और आई यूज टू प्रे वर्क फ्रॉम होम, वाओ, बट आज बोलती हूँ फिर वापस ऑफिस जाना ही ठीक है, इजंट इट? हम सब स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, हर किसी को अपनी तरह का स्ट्रेस है। किसी के बच्चों को स्ट्रेस है तो नेचुरली हम स्ट्रेस्ड हैं, किसी का काम नहीं है तो हम स्ट्रेस्ड हैं, बच्चे और हस्बैंड दोनों घर पर हैं तो स्ट्रेस्ड हैं और हम बोलते हैं बाबा अब तो आप चले जाओ, घर को घर रहने दो, ऑफिस और स्कूल अलग रहने दो, फैमिली टाइम हो गया। हर चीज एक बैलेंस में अच्छी लगती है, नहीं? इवन स्ट्रेस भी। एग्जैक्टली, टुडे आई एम प्रवीण कौर, योर यूथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, इज गोइंग टू टॉक ऑन स्ट्रेस। आप कभी नोट करना, स्ट्रेस एस से शुरू होकर एस पर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा बस, isn't it? बस हो जाती है हमारी स्ट्रेस में रहने की वजह से। कभी हेडेक है, कभी मूड स्विंग्स हैं, कभी परेशान है, कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी एंगर है, कभी डिप्रेशन है, कभी डिस्टॉर्टेड है, कभी डिसहार्टेंड है। मैंने अभी एक चीज नोटिस की, इसमें मैंने सब कुछ पेसिमिस्टिक ही बोला, नेगेटिव ही बोला। एग्जैक्टली, स्ट्रेस नाम ही नेगेटिविटी का है। तो क्या करें, स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? घर, काम, बच्चे, सब सबको देखना है हमें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो क्या ये काम आपको नहीं करने पड़ेंगे? या फिर अगर मैं ऐसे पूछूं, आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो ये काम अपने आप हो जाएंगे? I don't think so, it happened. तो फिर स्ट्रेस क्यों लें? पूछाता है, जेन्युइन है, नेचुरल है, I understand. But the problem is, we don't deal with it. We don't tackle it. We enhance it. और बड़ा करते जाते हैं जब तक कि वो हमारी फ्रस्ट्रेशन या एंगर की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू नहीं हो जाता। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड। गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। कुछ छोटे से टिप्स बताने वाली हूँ आपको, जिससे कि आपको ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का आइडिया लग सके। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। आयोनिकल, अपने आप को टाइम दो। इट इज नॉट पॉसिबल, काम कौन करेगा? अरे चिल, टेक अ ब्रेक, ऑफिस में भी तो लेते थे ना एक टी ब्रेक। वैसे ही एक छोटी सी ब्रेक ले लो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक इन विच यू आर गिविंग योरसेल्फ दैट टाइम। एक मी टाइम बना लो, ये थोड़ा सा टाइम मेरे लिए, क्योंकि देखना जब आप वापस आओगे तो ज्यादा जील के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ आओगे। And you know, you will be motivated to do things. Go out, take a break. अब go out से मतलब ये नहीं है, मुझे भी पता है आप लोग cafes, restaurants में नहीं जा रहे हो, घर पर ही listen to some music. I want to say just take some time spare for yourself, and that is quite important. Second thing is go out for a walk. Mask पहनकर obviously walk के लिए चले जाओ, 10-15 मिनट थोड़ा सा बाहर नेचर में जाने से, पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, यू विल फील अ लिटिल बेटर। एंड इवन द साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट इफ यू आर रियली टेंस एंड स्ट्रेस्ड, ट्राई आउट वॉकिंग, दैट हेल्प्स।
सो व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट। हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, अपना एक जैसे बच्चों को सिखाते थे टाइम टेबल बनाओ टाइम टेबल बनाओ, हम अपना भी तो टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, मॉर्निंग इतने बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक नहीं भी कर रहे योगा कर लो, योगा तो घर बैठे हो सकती है, मेडिटेट कर लो। What we have been learning all these years, managing all these years, time has come, we unlearn some old things and we come to learning new things. So learn, unlearn and then learn. Reorganize yourself, replan yourself, reschedule yourself, regulate yourself and pep up yourself. फिर देखो स्ट्रेस कैसे भागता है, एंड यू विल बी अगेन द सेम हैप्पी चर्पी पर्सन इन द हाउस हुम एवरीबॉडी लाइक्स एंड लव्स। क्योंकि आप अगर टेंस्ड हो, आप अगर स्ट्रेस्ड हो, आप अगर प्रॉपर शेप में नहीं हो तो पूरा घर हिल जाएगा। डोंट फॉरगेट यू आर द होम मिनिस्टर। सो आई होप कि आप उन स्ट्रेस छोड़कर उसे जल्दी से जल्दी मैनेज करने के जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। टिल देन Keep safe, stay safe, take care of yourself. I'll see you again. Bye-bye. Take care. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010-908888. Thank you.